हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने मोटो जी 84 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है तो इसके सॉल्यूशन के लिए आपको ना सबसे पहले तो अपने मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करना है, ठीक है। रीस्टार्ट करने के लिए आपको मोबाइल फ़ोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा छोटा सा इस तरीके का, इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन मिलता है, स्टार्ट पे टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है, हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो वो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए हमारा मोबाइल फोन जो है वो हैंग करता है, मोबाइल फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है, ऐसी बहुत सारी एंड्रॉइड सिस्टम की कमियाँ जो है वो सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपके मोबाइल फोन का जो स्पीकर होता है ना उसे आपको हल्के हाथों से साफ करना है, ठीक है। ध्यान का हल्के हाथों से साफ करना है, ज़्यादा ताकत या प्रेशर नहीं लगानी है जिससे स्पीकर के अंदर के जो पार्टिकल होंगे ना वो डैमेज हो सकते हैं बिल्कुल ही, ठीक है ना। तो आपको हल्के हाथों से साफ करना है जिससे आपके स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर एक बार चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे मोबाइल फ़ोन के जो सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर अपडेट आता है तो हमें पता नहीं लगता है। तो मोबाइल फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर होता है ना वो अपडेटेड ना होने के कारण हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियां आने लगती हैं। तो आपके मोबाइल फोन का जो सॉफ्टवेयर है वो आपका अपडेटेड है या नहीं, आपको कैसे चेक करना है, देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले ना मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको मोबाइल फोन का ना सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज ओपन करेंगे तो आपको सबसे नीचे की साइड ये सिस्टम का ऑप्शन आपको टैप करना है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है सिस्टम अपडेट का, इसे टैप करना है। तो आपको इस वाले पेज पर अगर कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप कर देना, इससे आपके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा और आपके फोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों एक काम और आपको करना है कि आपके मोबाइल फ़ोन में जितने भी ऐप्स हैं ना इन सभी ऐप्स को भी आपको अपडेट कर लेना अपने प्ले स्टोर में जाके। कैसे, देखिए आप अपने फ़ोन का प्ले स्टोर ओपन करेंगे ना तो प्ले स्टोर में सबसे ऊपर आपकी प्रोफाइल पिक्चर होती है, इसे टैप करना है तो आपका एक पेज आएगा। इसमें आपको पेज में ना ये मैनेज ऐप पर टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको ये अपडेट अवेलेबल के नीचे सी डिटेल का ऑप्शन टैप करना है तो आपका ये वाला पेज आएगा। इसमें आपके जो ऐप्स पेंडिंग में हैं उन्हें आपको सबको अपडेट कर लेना है, यहाँ से अपडेट ऑल के बटन पर टैप करके, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है ना आपको सबसे आखिरी से ये करना है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन को रीसेट कर देना है, ठीक है। देखिए दोस्तों आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट तभी करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस में से अगर कोई भी प्रोसेस काम नहीं करते हैं तब आपको अपने फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज आपको अपने फोन को रीसेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। फोन को रीसेट करने के लिए आपको मोबाइल फोन का ना सेटिंग पेज ओपन कर लेना है, ठीक है। सेटिंग पेज ओपन करेंगे तो आपको सबसे नीचे की साइड सिस्टम पर टैप करना है। इसके अंदर आपको ये रीसेट ऑप्शन मिलता है, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पर टैप करना है। आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले ना दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात आपको यह ध्यान रखनी है कि आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर दीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है, ठीक है। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, उसके बाद ही आपको अपने फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी प्रोसेस आपको बताए हैं सारे प्रोसेस आपको यूज करने हैं, तो इससे आपके मोबाइल फोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर ये सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी अगर आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आपको करना ये है, आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन के सर्विस सेंटर चले जाना, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताए हैं वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। अगर मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर की किसी कमी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे बताए हुए तरीके से आपकी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज आपको अपने फोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा।